जो है अब तेज हो गई है। छिंदवाड़ा दौरा उन्होंने कैंसिल कर अचानक दिल्ली जाने का मन बनाया है। तो अचानक दिल्ली दौरे को लेकर के यहाँ एमपी का सियासी पारा अब हाई हो चुका है मध्य प्रदेश में, और आज दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना होंगे कमलनाथ। और इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं, नकुलनाथ की भी प्रोफाइल हमने आपको दिखाई है। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद शर्मा, ये एमपी से जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, सिर्फ एक कमलनाथ ही नहीं बल्कि उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कितना दम इस खबर में, क्या सोर्सेस आपकी इस वक्त आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रही है इसको लेकर के? देखिए, सोर्सेस पे छोड़िए, नकुलनाथ ने साइन दे दिया है, वो ये दे दिया है। मध्य प्रदेश में इकलौते कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से कांग्रेस पार्टी हटा दिया। क्या लिखा है उस पर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा। कांग्रेस पार्टी लिखने में नकुलनाथ को क्या ऐतराज है? जिनके पिता और वो बरसों से कांग्रेस पार्टी से ही कनेक्ट है, उनको कांग्रेस पार्टी लिखने से क्या गुरेज है? देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कांग्रेस पार्टी के सांसद नकुलनाथ के इस बायो ने सनसनी फैला दी है और सियासी बवाल मध्य प्रदेश में कटने लगा है। और वो इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि अब बीजेपी से कनेक्शन को लेकर इनकी चर्चा चल रही है। देखिए, गौर करने वाली बात तो यह है कि कमलनाथ का 5 दिनों का जो दौरा था वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का था और वो 18 तारीख तक छिंदवाड़ा में रहने वाले थे, लेकिन उनका औचक दौरा दिल्ली का बनता है और वो कुछ देर में छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के सांसद नकुलनाथ, जिन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्ट से अपने बायो से कांग्रेस पार्टी को हटा दिया है, वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में 2020 से एमपी कांग्रेस में जो पतझड़ चल रहा है, वो पतझड़ देखिए एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सामने आने वाला है? ये मैं इसलिए और जोड़ रहा हूं, कयासबाजी और अटकलें इसलिए और तेज हो रही हैं क्योंकि 2020 में जब मध्य प्रदेश की सत्ता पर कमलनाथ काबिज थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कुछ यूं ही साइन दिया था। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो आज एक्स हुआ करता है, तब ट्विटर हुआ करता था, उसके बायो से कांग्रेस पार्टी हटा दिया था। तो ये जो बार बार इस तरीके से बदलाव करना, ये बड़े बड़े बदलाव की क्या बयार है? क्या कांग्रेस पार्टी, भले ही एमपी कांग्रेस में बड़े चेंजेस हो गए, पीसीसी चीफ बदला गए, क्या एमपी कांग्रेस में जो भागदौड़ मची है, भगदड़ मची है, क्या वो नहीं रुकने वाली है? और इस बार क्या कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा देखिए झटका मिलने वाला है जिसे एमपी कांग्रेस शायद उबर ना पाए? देखिए, 20 में एक कांग्रेस पार्टी में बड़ा टूटन हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल पूछा था, सोर्सेस क्या बता पा रहे हैं आपको कि क्या ये अब ऑफिशियल होने वाला है, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे दोनों बाप बेटे, या फिर ये जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, पहले भी हमने देखा है एमपी और राजस्थान और कमोबेश एक जैसी स्थिति कांग्रेस की इन दोनों राज्यों में बनी रहती है, ये सिर्फ वही है, मना लिया जाएगा, दिल्ली ये मिलने आ रहे हैं, क्या बीजेपी के लीडर्स से मुलाकात करेंगे दिल्ली, या फिर इनकी मुलाकात होगी जो कांग्रेस के आलाकमान है उनसे मुलाकात होगी, उनके लीडर से मुलाकात होगी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इन तमाम लीडर्स से मिलेंगे? ये तो नकुलनाथ के बायो से देखिए क्या संदेश जाता है, और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, और जाहिर तौर पर अब कांग्रेस को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर नकुलनाथ ने जो यहां पर अपने बायो से कांग्रेस हटाया है, इसके पीछे वो क्या संदेश देना चाहते हैं? हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर बात करें, देखिए छिंदवाड़ा में उनका 5 दिन का दौरा होने वाला था, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे प्रमोद, अब देखिए क्या कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही है क्योंकि नकुलनाथ ने जो बड़ा कदम यहां पर उठाया है, अपने बायो से कांग्रेस हटा दिया है, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, एमपी कांग्रेस के नेता बस से नजर आ रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर खाने में कुछ तो चल रहा है, धुआं उठ रहा है, तो यकीनन चिंगारी होगी, आग लगी होगी, इसीलिए धुआं उठ रहा है। और कांग्रेस पार्टी देखिए इस आग से 2020 से अब तक जूझ रही है, मेरे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि कनेक्शन का कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और अब ये आने वाला समय थोड़ा सा भविष्य बताएगा कि आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है, बीजेपी जिस तरीके से मध्य प्रदेश की इकलौती कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीट पर फोकस कर रही है और उसको जीतने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को वहां पर ऑब्जर्वर बनाया गया, अमित शाह के बहुत क्लोज माने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के, और जो राजनीति का उन्हें चाणक्य कहा जाता है, और कैलाश विजयवर्गीय यदि वहां मोर्चा संभाल रहे हैं, मतलब साफ है कि पूरी बीजेपी ने टारगेट बना रखा है छिंदवाड़ा को। और ऐसे में सारी नकुलनाथ बनते नजर आ रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही। तो मध्य प्रदेश के
पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार साथ काम करने वाला व्यक्ति छोड़ के जाएगा, ये सोच भी नहीं सकते। दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान, तो देखिए यहाँ पर बड़ा बयान आया दिग्विजय सिंह का, क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुनिए। ये कोई पलायन नहीं है, एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ये कोई पलायन नहीं है, एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी।